एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, क्लास टेंथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की। बच्चों, इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम हेरिडिटी और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी हो गया, देन हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन। एक एक करके इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो बेटे, सबसे पहले हेरिडिटी समझते हैं। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग जनरल बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेरिडिटी समझिए, जो ये हेरिडिटी टर्म है इसका मतलब क्या है। हेरिडिटी टर्म का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। मान लो कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मान लो हाइट का कैरेक्टर, पापा मम्मी की हाइट ज़्यादा है, मतलब टॉल हैं वो, तो उनके बच्चे भी टॉल हो गए। अगर मम्मी पापा टॉल हैं और उनके बच्चे भी टॉल हो गए, तो इसका मतलब है ये जो हाइट का कैरेक्टर था, टॉलनेस, ये कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। ठीक है, पेरेंट से बच्चों में जेनेटिक कैरेक्टर के ट्रांसफ़र को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो टर्म्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो मैं आपको टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो जो टर्म है वो दो हैं। जो पहली टर्म है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो टर्म है मेरे बेटे हेरिडिटी से पहले वो टर्म है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जेनेटिक्स की। तो लीजिए, हम लोग जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने जेनेटिक्स हेडिंग डाल दी। जेनेटिक्स क्या है, ये ब्रांच है साइंस की जो स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स की। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। साइंस में भी किसकी बात करें हम लोग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद that deals with the study of gene, deals with the study of genes. तो genes की study को हम इसमें deal करते हैं। जीन क्या है, जीन कैसे काम करते हैं, जीन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ये क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टर्म हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की हम बात कर लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको हेरिडिटी बताता हूँ। देखिए हेरिडिटी क्या है, ये है जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र। क्या है ये, ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, बच्चों से ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। क्या चीज़ मेरे बच्चों, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टर इनहेरिट होंगे मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे उन्हीं को हम जेनेटिक कैरेक्टर कहेंगे। जैसे मम्मी पापा टॉल हैं तो बच्चे भी टॉल हो गए, मतलब हाइट का कैरेक्टर, टॉलनेस। जैसे अगला कैरेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे हम बात करें कि माता पिता का तो समझ में आ गया कैरेक्टर टॉलनेस वाला, उसके अलावा स्किन का कलर, हेयर का कलर, हेयर का स्टाइल, जैसे किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, घुंघराली बाल है ना, आइज का कलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई जेनेटिक कैरेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या होते हैं, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज कैरेक्टर
विच ट्रांसफर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाएंगे वो जेनेटिक कैरेक्टर हो गए। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे हाइट का कैरेक्टर, जैसे हम क्या ले सकते हैं, हाइट का कैरेक्टर, चाहे वो टॉल हो या डॉर्फ हो, ठीक। जैसे हम बोल सकते हैं स्किन कलर, स्किन का कलर हम इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें आइज़ का कलर काउंट कर सकते हैं, किसका कलर बेटे, आइज़ का कलर। हेयर कलर हम इसमें काउंट कर सकते हैं, किसका, हेयर कलर है, हेयर स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको जेनेटिक कैरेक्टर भी ट्रांसफ़र करना समझ में आ गया हो। अब बात आती है जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन लेके जाता है। तो आप बताओगे सर ये काम जीन्स करते हैं, कौन करते हैं मेरे बेटे, जीन्स। तो आप बताओगे जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कौन करेगा, जीन। तो अब पता होना चाहिए जीन क्या होता है। जीन कुछ और नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल है। एक जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर डीएनए होता है, डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। और पूरा डीएनए नहीं जाता, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जाता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए नोन एज जीन दैट कैन कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन क्या होता है, ये स्मॉल पार्ट है, इसका स्मॉल पार्ट है मेरे बच्चों, जीन का, वो सॉरी डीएनए का। तो हम लिख देते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, ठीक है, ये क्या स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, या इसको हम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का ही तो बना होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए और स्मॉल सीक्वेंस, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए और स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए नोन एज जीन, ठीक है। ये क्या है, हमारा जीन है। ये क्या कर सकता है, ये जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम लिख देते हैं जीन कैन ट्रांसफ़र जेनेटिक कैरेक्टर, ट्रांसफ़र जेनेटिक कैरेक्टर्स, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है कैरेक्टर्स को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर, जैसे पेरेंट्स से हमारे अंदर और हमसे हमारे बच्चों के अंदर, वन जनरेशन टू अनदर, अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन। ये भी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ें और पढ़ाऊँगा। एक टर्म होता है एलेल, ये सारी टर्म्स मैं आगे एक्सपेरिमेंट बताऊँगा उसमें यूज़ करूँगा। तो हम अब बात करेंगे एलेल्स की, एलेल क्या होता है भाई। देखिए कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा जब मैं उसका इनहेरिटेंस बताऊँगा। सुनिए, ऐसा एक क्वेश्चन की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स एक टॉल है एक डॉर्फ है। मान लो मदर जो है वो डॉर्फ है, फादर जो है वो टॉल है, इनके बच्चे कैसे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, एक पेरेंट्स है, एक कपल है जिसमें मेल टॉल है फीमेल कैसी डॉर्फ, तो उनके बच्चे कैसे होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉल कैरेक्टर और डॉर्फ कैरेक्टर को हमें किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है, किसी एक सिंबल से हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, उसी सिंबल को हम एलील कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए टॉल जो है, टॉल में लिख, टॉल को हम कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये एक सिंबल हो गया। ऐसे डॉर्फ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो यहाँ पर जो एक कैपिटल टी है ये एक सिंबल है, ऐसे ही ये भी एक सिंबल है, ऐसे यहाँ पे स्मॉल टी सिंबल है, स्मॉल टी सिंबल है। तो ये जो सिंबल है इन्हीं सिंबल को हम क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है।
ये क्या होते हैं एल, ये हैं सिंबल्स। क्या हैं बच्चों? ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स, दैट रिप्रेजेंट्स, दैट रिप्रेजेंट्स। एल क्या है? सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स जेनेटिक कैरेक्टर। जो जेनेटिक कैरेक्टर को सिंबल रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलील। तो देखिए एलील क्या हो गया बेटे? एलील वो सिंबल हो गए जो जेनेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टॉल का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल टी। स्मॉल डॉट का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल टी। और इस टी और टी के मैं लिख देता हूँ। चलिए चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे अगर हम टॉल की बात करें, टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक सिंबल से जिसका नाम है कैपिटल टी। ऐसे ही डॉर्फ, डॉर्फ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है ना? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आर द सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ जेनेटिक कैरेक्टर दैट टॉलनेस और डॉर्फनेस, टॉल और डॉर्फ। ठीक है, इसी के पेयर को हम जीन भी कहते हैं जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे जीन तो आपने पीछे बताया है। हाँ, जीन डीएनए का पीस है, एक टुकड़ा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। तो जीन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये वाला जीन क्वेश्चन में ही यूज़ होगा। ये वाला जो जीन आपको दिखा रहा हूँ, ये जीन जो है ये सिर्फ क्वेश्चन में यूज़ होगा। इस जीन का यूज़, ये जो जीन है, ये जीन अलग है और ये जीन अलग है, मतलब बोलने का डेफिनेशन ये वाला जीन अलग है। तो आप क्या करोगे मेरे बेटे, जब जीन की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये वाले जीन की बताओगे, और जब क्वेश्चन करना होगा तो इस वाले जीन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? जीन्स आर द पेयर ऑफ एलील, आर द पेयर ऑफ एलील। ठीक है, और एलील क्या होता है? ये सिंबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया बेटे? हेरिडिटी इवोल्यूशन में जेनेटिक्स पढ़ा, हेरिडिटी, जेनेटिक कैरेक्टर, जीन्स, एलील और ये वाला जीन। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है, इन सब का यूज़ अब आगे क्वेश्चंस कराने में होगा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है मेंडल, उनके एक्सपेरिमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। Till then, thank you so much, bachu. Bye-bye. Take care. Have a nice day.